नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, ओमान के श्रम मंत्रालय ने जब से ये अनाउंसमेंट की है, घोषणा की है कि 15 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में जो अवैध प्रवासी मजदूर ओमान में हैं वो अपने देश जा सकते हैं। फ्रेंड्स, उनको आउट पास दे दिया जाएगा बिना किसी जुर्माने के। तो फ्रेंड्स, 15 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में 7689 जो रिक्वेस्ट हैं रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये लोग जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, केवल 8 दिनों के अंदर इतने बड़ी संख्या में लोग इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन के लिए उस व्यक्ति को अपने दूतावास से संपर्क करना चाहिए, एम्बेसी से, या फिर जो सनद के कार्यालय हैं वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन mol.gov.om पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके 7 दिन के बाद आपको अपना टिकट खरीदना होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है तो उनको उनके दूतावास से, एम्बेसी से पासपोर्ट मिल जाएगा उसको लेकर के, और 72 घंटे के अंदर PCR टेस्ट करा करके आपको जिस दिन की फ़्लाइट है उस फ्लाइट टाइमिंग से 7 घंटे पहले मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑफिस में। वहाँ पे आपको जो भी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, वो कर दी जाएगी। उसके बाद से यदि आप बोर्डिंग करते हैं तो आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, फैमिली वीज़े वाले लोग भी थे, बहुत लोग टूरिस्ट वीज़े पे भी आए थे, वीज़ा ख़त्म हो गया था। तो ऐसे बहुत बड़ा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति, आपके जानने पहचानने वाला कोई व्यक्ति इस तरह से परेशान है, आउट पास का वेट कर रहा है, तो उसको ये जानकारी अवश्य शेयर कीजिए ताकि वो बिना किसी जुर्माने को चुकाए हुए ओमान को आसानी से छोड़ दे। फ्रेंड्स, ओमान में घुसपैठ करना या फिर मादक पदार्थों की तस्करी करना बहुत बड़ा जुर्म है, और इसी के दरमियान एक अदालत ने ओमान में एक प्रवासी आदमी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी। फ्रेंड्स, जांच में पता चला है कि ये व्यक्ति समुद्र के किनारे से जो मछली पकड़ने वाली नाव का इस्तेमाल करते हुए सल्तनत में प्रवेश किया, और जिसके पास नशीले पदार्थ के साथ हशीश और जो तमाम तरह के साइक्रोपेटिक ड्रग्स हो गए, ये लेकर के ओमान में आया था। लेकिन रॉयल ओमान पुलिस ने इसको घुसपैठ करते हुए पकड़ लिया और इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। फ्रेंड्स, अगले अपडेट की बात करें तो डोफार गवर्नर की जो नगर पालिका है, रविवार को सैयद मोहम्मद बिन सुल्तान बिन हमूद अल बसैदी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई। इस बैठक में फ्रेंड्स, परिषद के राज्यपाल, विकास और सेवाओं के नगरपालिका के कार्यों में सुधार के मुद्दे पर चर्चा की गई कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं अधूरे हैं, कौन कौन से जो काम हैं उसको और जल्दी निपटाए जाने चाहिए। इसके अलावा बैठक में अधिकारियों के सामने येलो फीवर को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ी एक समीक्षा हुई। इस पर चर्चा हुई कि येलो फीवर को कैसे हम आने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए और कौन से रूल अपने निवासियों के लिए हमें फॉलो करवाना चाहिए। फ्रेंड्स,